दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं मछली के अंडे के पकोड़े। तो मछली के अंडे के पकोड़े बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसा रेसिपी है, आइए देखते हैं, बनाते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। है मछली के अंडे का पकौड़ा, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, ये मछली के अंडे हैं और ये 200-250 ग्राम है। तो इसलिए हमें थोड़ा टुकड़े में कट कर लेना, क्योंकि इतना बारीक तो हमें बेसन के साथ ये पकेगा नहीं, तो थोड़ा सा कट कर लेना है। और हमने लिया है यहाँ 200 ग्राम बेसन, और यहाँ पे लिया है भर के हमने 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और हमने लिया है यहाँ पे कुछ सूखे मसाले। तो हम सूखे मसाले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमने लिया है यहाँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, छोटे वाला टीस्पून से हमने लिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हमने लिया है काली मिर्च पाउडर। अगर इसमें और कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो करें, बट ऐसा कुछ है नहीं जो आप ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इसे बेसन को एक ही साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें मसाले डालने के बाद हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का भर के पेस्ट। थोड़ा सा मैंने ये रख लिया है, मुझे क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, डाल ही देती हूँ, ऐसे भी चटपटा ही होगा इससे। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, इसको हमारे एक पेस्ट बनाना है तो यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर लिए है, और इसे साइड कर लेंगे। और इसे हम एक स्मूथ, बिना जो है उसका क्या बोलते हैं वो, गुठलियों के बिना इसे एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो आइए इसे फटाफट पेस्ट तैयार करते हैं। तो मैं इसे पेस्ट अब तैयार कर लेती हूँ, बिना गुठलियों का, बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे ऐसे मिक्स करें, इससे क्या होगा गुठलियाँ नहीं आएंगी इसके अंदर। अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं, ये देखिए इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी। और इसे अच्छे से हम ऐसे थोड़ा फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। और अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, तो लीजिए बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बनके स्मूथ तैयार हो गया हमारा। और इसे हमें ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, ज़्यादा जो है लिक्विड भी नहीं रखना है, तो थोड़ा पानी और लगेगा इसके अंदर। इसे फिर से मिक्स करते हैं, सॉरी। तो ये देख सकते हैं लिक्विड ज़्यादा ना गढ़ा है पेस्ट और ना ही पतला है, इसने ऐसा होना चाहिए ताकि हमारे अंडे जो है मछली के उस पर अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो हमने इसे ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है ना ज़्यादा पतला। तो अब इसे हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं और इसे हम पीसेस में छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। तो ये देखिए सारे जो है मछली के अंडे को हमने इसे पीसेस में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, ताकि इसे मैं डीप फ्राई कर सकूं और आसानी से इसे पका सकूं। तो इसे हमने इसे फ्राई कर लिया है और अब हम चलते हैं, सॉरी इसे हमने कट कर लिया है, अब चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल आप अपने घर आपके अपने पसंद से डाल सकते हैं जो घर में आपके यूज होता है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे, तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लें और उसे जो हमारा जो फ्लेम है उसको मीडियम कर ले बाद में, ताकि हम इसे आसानी से पका सके। और मसालों के साथ जो हमने बेसन लिया है उसके साथ हम इसे पका लेंगे। फिर फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, तेल हमें एकदम पूरा फुल फ्लेम पे गर्म होना चाहिए, उसके बाद उसे लो कर दें। इससे आसानी से नीचे चिपकेगा भी नहीं और आसानी से हम इसे पका सकेंगे, फ्राई करेंगे डीप। हमने पकोड़े को डाल दिया है, अब फ्लेम को हम हाई कर देंगे। दो से तीन मिनट इसे अच्छे से सेक लें, नीचे से
ये देखिए। और अब इसे हम पलट लेंगे। इसे हम अच्छे से इसे पलट लेंगे। मछली हमारा कच्चा ना रहे इसके लिए हम फ्लेम को फिर अंडे जो हैं मछली के ये कच्चे ना रहे इसे इसलिए फ्लेम को हम फिर से लो करेंगे ताकि अंदर से अच्छे से ये पक जाए। अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ऊपर से पक जाएंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा। इसलिए जब भी मछली को अंदर डालें फ्लेम को लो करें, फिर हाई करें, फिर लो करें। फ्लेम को हमने फिर से हाई कर लिया है। अब इसे दोनों तरफ से पलट के सेक लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसे उलट पलट के। गोल्डन फ्राई करेंगे इसे डार्क करके, ताकि हम डार्क थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे ताकि हमें बस एक ही चीज़ है अंदर कच्चा ना रहे, इसलिए पीसेस छोटा भी होना चाहिए इसका और अच्छे से इसे फ्राई होना चाहिए। तो आइए अभी इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल हमने गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लिया है, बिल्कुल डीप फ्राई किया है इसे। और अब हम सारे पकौड़ों को बाहर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बिल्कुल लजीज गर्मा गर्म मछली के अंडे के पकौड़े बना के हमने तैयार कर लिया है। ये बहुत ऊपर से काफ़ी आपको ये देखिए अंदर बिल्कुल जूसी है लेकिन ऊपर काफ़ी क्रिस्पी है। आप खाने में आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ केचप के साथ सर्व किया है। आप इस पकौड़े को घर में बनाएं खाएं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और हमें कमेंट करना नहीं भूले कि हमारा बनाया हुआ पकौड़े आपको कैसे लगे और आपके घर में कैसा बनता है, ये ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, शेयर करें, लाइक करें। फ्रेंड्स चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।